कुछ दिन पहला ही अमृतसर ब्यास च पुलिस वालों गैंगस्टर्स दा एनकाउंटर किया गया, जिथे एनकाउंटर मगरों दो गैंगस्टर्स नू पुलिस हिरासत च लैण च कामयाब रही सी। ते इस एनकाउंटर च एक गैंगस्टर भज्जण च कामयाब रहा। यह एनकाउंटर ब्यास दे एक ढाबे ते दिल्ली पुलिस दे वल्लों किया गया। दोवें गैंगस्टर लंडा हरीके दे गुट नाल संबंधित सी। गैंगस्टर ते पुलिस दी इस गोलीबारी तो बाद अमृतसर चो फिर तो एक बार पुलिस ते गैंगस्टर च गोलीबारी हुई है। पुलिस नू देख के गैंगस्टर भज्जण दी कोशिश च सी, जिस मगरों एसटीएफ ने इन्हां दा पिछा कीता तां गैंगस्टर्स वल्लों पुलिस उत्ते फायरिंग कर दित्ती गई। पुलिस वल्लों फायरिंग करन ते गैंगस्टर्स दी गड्डी दा टायर पेंचर हो गया, पर उह पेंचर कार नू ही भजाउंदे रहे जो कुछ दूरी ते जा के खेतां च पलट गई। कार पलटन मगरों इस गैंगस्टर नू पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे तो 7 करोड़ रुपए की हैरोइन अते नजायज हथियार बरामद किए ने। यह कार्रवाई अमृतसर के अजनाला अधीन पेंदे पिंड डब्बर विच हुई है। उत्थे फड़िया गया गैंगस्टर मौजूदा सरपंच का बेटा दसया जा रहा है। यह गैंगस्टर ते नशा तस्कर पिछले कुछ समय तो NDPS केस विच जेल की सजा कट रहा है। वह हाल ही च पैरोल ते जेल तो बाहर आया सी, पर पैरोल खत्म होने तो बाद वह वापस जेल नहीं गया। सूचना मिलने तो बाद तो ही एसटीएफ मुलजमान का पिछा कर रही थी। पुलिस ने मुलजम सोनू नू हिरासत विच ले लिया है। मुलजम की कार विचों करीब 1 किलो हैरोइन की खेप बरामद हुई है। इस तो इलावा मुलजम कोलों नजायज पिस्तौल भी बरामद होया। फिलहाल इस रिपोर्ट च इन्ना ही। मिलते हैं नवी अपडेट नाल, तो तक जुड़े रहो चैनल पंजाबी मूवीज अड्डा दे नाल।